नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने में उपस्थित हूँ और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ एम ऑफ एजुकेशन का। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से एजुकेशन को परिभाषित किया है, लेकिन जब सभी परिभाषाओं को जब गौर से देखा जाता है तो लगभग लगभग सारी सभी परिभाषाओं का जो सार है, मूल है, वह लगभग लगभग एक चीज होता है, एक ही तरह की बात सामने आती है। तो मैं उन सभी विद्वानों में से महात्मा गांधी के द्वारा जो बताई गई बातें हैं उसको आपके सामने में लाया हूं। यहां पर मैंने लिखा है, देखिए, एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य। यदि एक शब्द में कहा जाए कि शिक्षा क्या है, तो हम कह सकते हैं एक शब्द में कि नॉलेज ही एजुकेशन है। देखिए, मैंने लिखा है नॉलेज एजुकेशन, नॉलेज, नॉलेज एजुकेशन। तो नॉलेज ही एजुकेशन है, एजुकेशन ही नॉलेज है। एक शब्द में यदि कहा जाए तो एजुकेशन को हम नॉलेज कह सकते हैं। महात्मा गांधी, देखिए, बहुत सारे, मैंने क्या कहा, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग ढंग से एजुकेशन को डिफाइन किया है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य बालक व मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा। देखिए, तीन बात यहां पर है, शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास ही शिक्षा है। तीन बात यहां पर आया है, शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास ही शिक्षा है, यह महात्मा गांधी ने कहा है। तो देखिए, ये एजुकेशन जो है, एजुकेशन समय और परिस्थिति से प्रभावित हुआ है, जबकि ये प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है यह जो है सो यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसलिए यह समय और सिचुएशन, कंडीशन से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रभावित हुआ है। यदि हम बात करते हैं एंशियंट टाइम की, तो एंशियंट टाइम में शिक्षा का जो उद्देश्य था वह था सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वह है जो मुक्ति देता है। मुक्ति अर्थात हमारी जो योनि है, जैसा कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि 84 लाख योनि में भटकते हुए हम इंसान बने हैं, और यदि हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो फिर वह योनियों में भटकना पड़ेगा। तो वह हम अच्छे कर्म कैसे करें, इसके लिए बहुत सारे कर्मकांड की बातें की गई है हमारे पुराण में, हमारे ग्रंथों में। तो उन पुराणों और ग्रंथों का जो अध्ययन करने वाले थे, जो अधिक से अधिक श्लोक का ज्ञान रखने वाले थे, वह अधिक विद्वान कहलाते थे। और एजुकेशन का जो उद्देश्य था वह था मुक्ति को प्राप्त करना। यदि हम बात करते हैं बौद्ध शिक्षा की, जैन शिक्षा की, तो लगभग लगभग उन सारे ग्रंथों में भी जो है अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना ही उसका उद्देश्य था। तो प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य ये था। यदि हम मेडाइवल टाइम की बात करें, तो मेडाइवल टाइम में यदि हम भारत की बात करें, तो अधिकांश जो है सो मुगलों के शासन में मुस्लिम शासकों का जो उद्देश्य था शिक्षा का, हुआ था राज्यों का विस्तार करना और धर्म मत का प्रचार करना। तो यह मेडाइवल टाइम में भी जो शिक्षा का मूल अर्थ है, मूल बातें हैं, वह इसको भी डिविएट किया गया। यह भी कालखंड के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को भटकाया गया। यदि हम आज की युग में बात करें, मॉडर्न टाइम में बात करें, तो शिक्षा का उद्देश्य मात्र रह गया है जीविकोपार्जन। ठीक है, शिक्षा आज जरूरत है, आज हमें जीविकोपार्जन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यदि हम अच्छा एजुकेशन लेते हैं तो हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं और समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि पाते हैं। लेकिन आज का भी शिक्षा का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य है, वह उससे भटक रहा है। तो यदि हम एंशियंट टाइम की बात करें, मेडाइवल टाइम की बात करें, मॉडर्न टाइम की बात करें, तो यदि देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो एजुकेशन का जो उद्देश्य होना चाहिए, वह होना चाहिए कैरेक्टर बिल्डिंग। क्योंकि यदि हम इंफॉर्मेशन के द्वारा, नॉलेज के द्वारा हम डॉक्टर बन गए, और यदि हमारे अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हुआ, तो हम कैसा डॉक्टर बनेंगे, वही किडनी निकालने वाला डॉक्टर बनेंगे, कमीशन पर जो है सो काम करने वाला डॉक्टर बनेंगे। यदि हम इंजीनियर बनेंगे तो ऐसे 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 पुल बनाएंगे जो कुछ ही महीना में ध्वस्त हो जाएगा। कहने का मतलब, चरित्र का निर्माण सबसे इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए यह है कैरेक्टर बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। यदि मनी की क्षय होती है, मनी की हानि होती है, तो इसका कोई चिंता करने की बात नहीं है। मनी चला गया, धन चला गया, फिर धन वापस आ जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। यदि हेल्थ का लॉस हो गया, बीमार पड़ गए, तो थोड़ा सा क्षति है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन कहा गया है, तो थोड़ा क्षति है।
इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, लेकिन फिर यदि तबियत ठीक हो जाती है, दवाई लेते हैं, मेडिसिन वगैरह लेने के बाद फिर स्वास्थ्य सही होता है और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, तो हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, लेकिन फिर क्या है, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, लेकिन यदि चरित्र लॉस्ट कर जाता है, चरित्र हनन हो जाता है, चरित्र में दाग लग जाता है, एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो सब कुछ खत्म हो गया। एक बार चरित्र में दाग लगा तो फिर वह कभी धुलने वाला नहीं है, वह धुलने वाला नहीं है। इसीलिए शिक्षा का जो उद्देश्य है वह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कैरेक्टर बिल्डिंग। यदि आप चरित्रवान हैं तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, और जो भी काम करेंगे चाहे वह अपने परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, देश के लिए हो, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक करेंगे। इसलिए शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वह कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।